पीलीभीत महोत्सव कस्तूरी का आगाज शुक्रवार को हो रहा है। महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महोत्सव पीलीभीत के इतिहास में दूसरी बार हो रहा है, पहली बार 2001 में हुआ था। सर, क्या क्या तैयारी की गई पीलीभीत महोत्सव में? देखिए, बड़ा शुभ दिन है आज और कल, 25 जनवरी है जिसको जो मतदाता दिवस भी है, इसके अलावा कल 26 जनवरी है, इसके बाद हमारा 30 तक प्रोग्राम चलेगा, 25 से 30 तक ये कार्यक्रम चलेगा। तैयारियों में हमने विकास प्रदर्शनी लगा रखी है, करीब 150 के आसपास दुकानें लगा रखी हैं जिसमें हर प्रकार की दुकानें हैं। पीलीभीत थोड़ा सा पिछड़ा जिला है, कोने में जिला पड़ता है, तो वहाँ के लिए यह प्रोग्राम अपने आप एक बड़ा प्रोग्राम है। इसके अलावा रोज हमने कम से कम 4 और 5 सेट प्रोग्राम्स रख रखे हैं जिसमें बाहर के कलाकार रहेंगे, लोकल कलाकारों को महत्व दिया जा रहा है, और स्कूली बच्चों का कार्यक्रम है जैसे इंडियन आइडल के तर्ज पे पीलीभीत आइडल के भी प्रोग्राम हो रहे हैं। इसके अलावा डॉग शो है, शूटिंग है, जितनी भी तरह की कलाएं हो सकती हैं यहाँ पर, लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है, बंगाली पॉपुलेशन है, पंजाबी पॉपुलेशन है, उसके टेस्ट के जो कार्यक्रम है, आम जनता के टेस्ट के कार्यक्रम है, और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। सर, ये अभी आज से बताया जा रहा है कि 2001 में पहली बार पीलीभीत महोत्सव हुआ, तो ये दूसरी बार हो, तो आखिर आपके क्या लगा कि ये पीलीभीत महोत्सव एक बार फिर से होना चाहिए, और किस तरह की रणनीति बनाई गई और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, महोत्सव करने की परंपरा यहाँ पे नहीं थी, पर अन्य जिलों में है, तो हम इतिहास की तरफ क्यों देखें, हम आगे की तरफ देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सरकार ने हमें थोड़ी सी मदद की है, इसलिए हम नई परंपरा कायम करना चाह रहे हैं, और पीलीभीत महोत्सव जो कस्तूरी जिसको नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हिरण काफ़ी हैं, शेर के नाम पर तो हर व्यक्ति जानता है, यहाँ पे हिरण भी हैं जो कि शेर का ग्रास बनते हैं, तो हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए कस्तूरी हिरण के प्रोटेक्शन के नाम पर उनके नाम से महकेगा ये हमारा कार्यक्रम, इसलिए कस्तूरी नाम देकर के पीली महोत्सव को शुरू किया गया। और आगे माननीय विधायकगण वो आ रहे हैं, माननीय मेनका गांधी जो मिनिस्टर हैं वो भी किसी एक दिन आएंगे, 30 को संभवतः आएंगे, हमारे मुकुट बिहारी जी मिनिस्टर हैं वो आएंगे, इसमें जितनी भी हस्तियां हैं, इसके अलावा बड़े बड़े कलाकार बॉम्बे दिल्ली से हम लोग कलाकार बुला रहे हैं, वो पीलीभीत महोत्सव बहुत ही कारगर होगा। इससे न सिर्फ पीलीभीत के चूका और गोमती उद्गम स्थल को हम पर्यटन और टूरिस्ट के रूप में डेवलप करना चाहेंगे, बल्कि हम ऑक्सीजन टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं कि यदि आप दिल्ली जैसे महानगर से, लखनऊ जैसे महानगर से 2-3 दिन के लिए यहाँ पर आ जाएँ तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि डीएम अखिलेश कुमार ने बताया कि, जैसे कि आपको बता दें कि ये डीएम अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ये पूरा बड़े आयोजन को आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि पूरी तैयारी हो चुकी है और अब महोत्सव के आगाज होना बाकी है। ईटीवी भारत के लिए शिवम पोरवाल, पीलीभीत।